दशहरे के शुभ अवसर पे मैं उन बच्चों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमारे कोचिंग से 2018 बैच में जो सिलेक्शन लिए, ठीक है, और जो बच्चे हमारे कोचिंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आगे की जो है अपना प्रिपरेशन अच्छे से करें, तैयारी बहुत ईमानदारी से करें, ठीक है, अपने टाइम का यूज करें अच्छे से। आज हम लोग जो है स्पेशली जो हम कुछ बताना चाह रहे हैं कि NIT जो भोपाल है उसमें हमारे 7 स्टूडेंट 2018 बैच में सिलेक्शन हुए सिर्फ NIT भोपाल में, ठीक है, तो इन बच्चों को जो आज हमारे आए हुए सारे बच्चे हमसे मिलने के लिए आए हुए हैं, ठीक है, मुझे बहुत खुशी है, कहीं न कहीं हमारा लगाव है जो इन बच्चों को हमारे पास ले आया खींच के, इसलिए इन बच्चों ये जो बच्चे आए हैं कुछ न कुछ बताएंगे इस चैनल के माध्यम से, ठीक है, अपने जो भी बच्चे हमारे कोचिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ ऐसा आप लोग बताओ, ठीक है, कि उनको क्या हेल्प मिले, एग्जाम के मेन समय में क्या हुआ, आप लोग की स्ट्रेटजी क्या थी तैयारी की, कैसे प्रिपरेशन की, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग हमारे उन बच्चों को शेयर करो, कुछ हेल्प मिले जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे अच्छे से, ठीक है, एक एक करके आप लोग हेल्प करो, ठीक है, जाएगा, ठीक है, अमित साहब जो लो इसको सबसे पहले सभी को दशहरे का हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अभी MCA का प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और हमारे यहाँ अभिषेक प्रताप सिंह हैं, वो अभी NIMCET क्रैक करके NIT भोपाल में पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे हम अभिषेक प्रताप जी से जानेंगे कि कैसे जो है कि NIT भोपाल क्रैक NIT का जो पेपर है क्रैक किए, और ये जो NIMCET का पेपर था ये सभी सालों से डिफरेंस था, इसमें क्या क्या स्ट्रेटेजी थी और क्या क्या क्वेश्चन थे, आइए हम मिलते हैं अभिषेक प्रताप सिंह। देखिए, NIMCET क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आप सबसे बता देना चाहूँगा जो भी वीडियो देख रहे हैं कि NIMCET क्रैक करने के लिए हमें दो चीज़ें बहुत जरूरी होनी चाहिए, एक स्पीड और एक एक्यूरेसी। अगर आपने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उसमें से आप इतना मान के चलें कि आपने 23 क्वेश्चन सही करना है, अगर आपने गलती ज़्यादा करी है तो फिर आपके चांस बहुत कम है, इसलिए स्पीड और एक्यूरेसी यही दो चीज़ मांगता है NIT। और दूसरी रही बात थी कि इस बार आप सब जानते हैं कि इस बार का थोड़ा पैटर्न चेंज था, तो हम सभी के लिए था, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए था, तो हम जब एग्जाम में बैठे देखे कि इस बार तो पैसेज टाइप क्वेश्चन नहीं थे और सारे इंडिविजुअल क्वेश्चन में मेनली रीजनिंग के चेंज थे, फिर भी हमको लगा कि चलिए हमारे लिए तो है नहीं, सबके लिए है, फिर करते गए हम लोग, उससे कोई होता नहीं है, सबका रैंक उस हिसाब से ही बनता है, वो सबके लिए होता है, और इस बात का आपको टेंशन नहीं लेना है कि पेपर पैटर्न चेंज हो गया तो अब क्या करें या फिर डिप्रेस में चले जाएं, दो घंटे आप बर्बाद कर दें, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। और पेपर को अच्छे से ऊपर से नीचे रीड करिए और देखिए कि आपका क्या आप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको अटेम्प्ट करिए, और ये मत देखिए कि हमको नहीं आ रहा है या ये बाहर का है, उसको सोचने में टाइम मत खराब करिए और उसको अच्छे से करिए, इससे सबका रैंक उसी हिसाब से आएगा, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है कि अब क्या होगा, आपने कर दिया ये वो, पेपर चेंज हो गया, और ऊपर से हमारे कोचिंग से 10 क्वेश्चन तो डायरेक्ट हमारे NIT के जो हमारे टेस्ट सीरीज थे उससे मिले थे, जिससे हम लोग को काफ़ी आसानी हो गई, और यही है, मेहनत करिए और कुछ नहीं है। चलिए हम लोग मिलते हैं शाश्वत जी से, जो कि NIT भोपाल में ये दूसरे स्टूडेंट हैं यहाँ के, और ये बताएंगे हम लोग को कि एग्जाम के अपेयरिंग में रहते हुए भी कैसे NIT को क्रैक किए और स्ट्रेटेजी क्या थी और आगे पैटर्न क्या होना चाहिए। हम सभी जानते हैं 2018 का NIMCET का पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज था, जिसमें रीजनिंग जो हम लोग जिस तरह हम लोगों ने देखा था उससे थोड़ा पैटर्न चेंज था, तो इसमें आपको पेशेंस रखना है कि आपको ये नहीं देखना है कि पैटर्न हर बार एक ही जैसा आएगा, मे भी हो सकता है कि पैटर्न इस बार चेंज हो सकता है अगले साल फिर चेंज हो, तो आपको पेशेंस रखना है, आपको हर एक टॉपिक को टच करते हुए आगे बढ़ना है। मैथ्स में हम लोग कोचिंग से 21 से 22 क्वेश्चन मैच किए थे, जिससे हमें ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हुई, हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल गया और क्वेश्चंस लगाने के लिए। आपको मैथ और रीजनिंग का भी, जैसे हम लोग का था कि हम लोग पैसेज पढ़ के अच्छे से गए थे बट पैसेज नहीं आया उतना हम लोग का, और जो अलग टॉपिक है सिलॉक्स है वो आया, जो हम लोग ने इवन टच ही नहीं किया था बट फिर भी किसी तरह हम लोग ने किया और थोड़ा उसको क्वालिफाई किया। मेरा अपीयरिंग भी था बट फिर भी हमने किया, इसका आप ये कह सकते हैं कि अपीयरिंग में आप हैं तो आपको कोई टेंशन में ज़रूरत नहीं है कि आपका कैसे होगा, आप अपना एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि आपको इतना अपीयरिंग के लिए देना है अपने BSc या BCA के लिए,
और अपना इतना टाइम आपको NIMCET की तैयारी के लिए देना है। मेरा ये था कि मेरा BSc बैकग्राउंड है, तो मैंने अपना BSc भी मेरा साथ में चल रहा था और साथ में मेरा इसका भी NIMCET तैयारी चल रही थी। उसके मैंने अलग से टाइमिंग दिया था कि इतना मुझे पढ़ना ही है, रोज डेली मुझे इतना स्टडी करनी है, चाहे वो मैथ हो रीजनिंग हो, वो डेली मैथ और रीजनिंग एक बार देखना ही देखना मस्ट है। वहाँ साथ ही साथ मुझे अपना BSc का भी देखना है, क्योंकि वहाँ भी उसका भी एक अलग सिलेबस है, उसको भी साथ में लेके चलते हुए करना था। चलिए, तो हम लोग मिल रहे हैं NIT भोपाल के तीसरे स्टूडेंट से, प्रखर जी से, और वो बताएंगे कि रन ट्यूटोरियल के टेस्ट सीरीज से और जो उनके वीकली टेस्ट और सभी सीटें होती हैं, स्पीड टेस्ट होते हैं, तो उनमें से उनको क्या हेल्प मिला और आगे जानेंगे कि कैसे अपना NIMCET का पेपर जो है क्रैक किया। रन ट्यूटोरियल का छात्र था और मैंने यहाँ से प्रिपरेशन की थी एक साल ड्रॉप आउट करके अपना BSc ख़त्म करने के बाद। जनरली बात तो है ही कि यहाँ के टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ के सारे बच्चे जितने भी हैं वो अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में अपनी टेस्ट सीरीज भी साथ ही साथ सॉल्व करते रहे। मैंने एक चीज़ यहाँ पे एक स्ट्रेटजी की थी कि मुझे आता था या नहीं आता था, लेकिन मैं सर के पास जाता था और अपनी वीक पॉइंट हमेशा रखता था सर के पास, और सर हमेशा उस पर वर्कआउट करते थे और मेरे को बताते थे कि हाँ आप इस पर काम करिए, इस टॉपिक पर काम करिए और इसको इतना ज़्यादा इस टॉपिक पर इतना पर्टिकुलर काम करिए और कितना घंटा कितना ज़्यादा कितने क्वेश्चन सॉल्व करने सब कुछ वो बताते थे। और एक चीज़ ये बताऊँगा कि ये नहीं होता कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं 10 घंटे पढ़ रहे हैं, ये तो आप अगर आप ग्रेजुएशन में तो इतना आपको पता होना चाहिए कि ये टाइम डजंट मैटर, क्वांटिटी कभी मैटर नहीं करती, हमेशा क्वालिटेटिव मैटर करती है। तो इतना आप रखिए कि आप क्वालिटेटिव पढ़िए, हमें जो भी पढ़िए क्वालिटेटिव पढ़िए, कि आप अगर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक उठा रहे हैं तो उस पर कम से कम 150 या 100 क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते हो, ताकि आप आगे जब जाएं तो आपको पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है या कुछ भी चेंज हो रहा है, आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए कि आप अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहे कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे इजिली सॉल्व कर सकें। और ये तभी होगा जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होती है जब आप रेगुलर और डेली प्रैक्टिस करते हैं। आप 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करिए, लेकिन डेली करिए हर चीज। और ये है कि मेरा घर थोड़ा दूर था तो मैं डेली कोचिंग आ नहीं पाता था, लेकिन मैंने कभी भी टेस्ट सीरीज आज तक नहीं मिस की है हमारे रन ट्यूटोरियल की, जिससे बहुत बेनिफिट हुआ कि मुझे क्वेश्चन जब भी मिलते थे नए तो मैं जब नहीं लगते थे मेरे से यहाँ पे टेस्ट सीरीज में, तो मैं घर जाता था उसे देखता था कि हाँ ये कैसे हो रहा है, नहीं होता था तो खुद से अपने आप पे वर्कआउट करता था कि हाँ ये कैसे हो रहा है, कैसे नहीं होगा, कहाँ मैंने गलती की। उस पर धीरे धीरे सीखते सीखते जब 2018 में पेपर का पैटर्न चेंज हुआ, मेरे पास बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस थे, तो फिर देखा, लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे को कुछ फैमिलियर नहीं था, वहाँ पे सब कुछ फैमिलियर लग रहा था क्योंकि मैंने उतना मेहनत की थी अपने ऊपर। ये नहीं कि मेरे रैंक कम आ रहे हैं कुछ भी, मैं इस बारे में नहीं सोच रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बस कॉन्फिडेंस था, मैंने किया और यह निकला वो। थैंक यू। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं रन ट्यूटोरियल के 4th स्टूडेंट से, विनय यादव जी से, और वो हम लोग को बताएंगे कि यहाँ के स्पीड टेस्ट जो होते हैं 20 सेकेंड 20 क्वेश्चन जो कि अलग अलग टॉपिक पे बनाए जाते हैं, और उससे हम लोग को क्या हेल्प मिलता है और क्या क्या उसमें पैटर्न होते हैं, कैसे कैसे उसमें से क्वेश्चन भी लड़ते हैं, आइए हम जानते हैं। ये होता है कि टाइम हम देखते हैं कि टाइम के अंदर हम लगा लेते हैं या नहीं। सर के टेस्ट सीरीज में या वगैरह में ऐसा होता है कि हमें मेन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन सर यहाँ पे देते हैं वो मैच हो जाते हैं, और सर लगभग हर जो भी मतलब हो गया है मैथ हो गया रीजनिंग हो गया हर एक के बाद सर एक टेस्ट लेते हैं, जिससे हमें ये आइडिया होता है कि ऐसे ऐसे आने वाले हैं या ऐसे आ सकते हैं। तो एग्ज़ाम में हमें इससे हेल्प हो जाती है कि हम टाइम अपना सेव हो सके, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में अगर कुछ जो क्वेश्चन है वो हमें मैच हो गया तो हमारे पास टाइम एक्स्ट्रा ये होता है कि हम एक्स्ट्रा उसमें लगा सकें। तो इसलिए एग्ज़ाम में टाइम तो होता ही है, और ये होता है कि जहाँ तक हो सके कि हम ज़्यादा से अधिक से अधिक लगा सकें। और मेन एग्ज़ाम में एक बात ये भी है कि आपको हर एक पार्ट बना होता है टेस्ट, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग या इंग्लिश या चाहे जो, तो एग्ज़ाम में हर पार्ट टच होने का मतलब ये है कि आप उस टाइम हर पार्ट टच उसी समय हो सकते हैं जब आप शुरू से उतना प्रैक्टिस करें, और सर हम लोग को उतनी मतलब प्रैक्टिस कराते हैं या उस लेवल के हम लोग को देते हैं कि वहाँ पे जा कर के हम ऐसा लगा सकें। और रीजनिंग पार्ट हो गया, मैथ पार्ट हो गया, इंग्लिश पार्ट हो गया, एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, जो भी है सर के टेस्ट सीरीज वगैरह से हम लोग को अच्छी हेल्प मिली। जो इस बार के एग्ज़ाम हुए उसमें भी हम लोग को मैच हुए, 18 से 20 हो गए मैच, मैथ हम लोग को हो गया मैच। इस बार के पेपर में रीजनिंग
थोड़ा सा डिफर आया, लेकिन सर ने चूंकि हम लोग का रीजनिंग बेसिक से मतलब सिखाया था तो इसका हम लोग को वहाँ पे ये हुआ कि हम लोग वहाँ पे अपने से लगा सकें, चाहे मैच हुआ या नहीं हुआ, लेकिन सर हम लोग को इतना मतलब बेसिक से सिखाए थे कि वहाँ पर हम अपने से उस चीज़ को लगा सकें। एग्ज़ाम में एक चीज़ और एक पेशेंस रखना पड़ता है, एग्ज़ाम जो भी आए पेपर उसको देख के मतलब हड़बड़ाना नहीं है कि हाँ यार ऐसा आ गया वैसा आ गया, जो भी है आराम से कूल माइंड होकर के सर हम लोग को अच्छे से देख उनसे ये बोलें कि हाँ आप लोग शांत रहिएगा, ऐसे रहेगा वैसे रहेगा, ऐसा ऐसा सोच के हम लोगों ने शांत रहा, क्योंकि अगर पेपर हार्ड आ रहा है तो सबके लिए हार्ड आ रहा है और सिंपल आ रहा है तो सबके लिए सिंपल आ रहा है। तो हार्ड पेपर देख करके इतना ये नहीं हो रहा है कि यार हार्ड आ गया हमारा नहीं होगा या कुछ भी ऐसा, अपने आप अपने तरफ से पूरा आप लगाएंगे और जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने। चलिए तो हम मिलते हैं NIT भोपाल में पढ़ रहे पांचवें स्टूडेंट से सुष्मिता जी से, और ये बताएंगे कि एग्जाम टाइम में कैसे हम अपने आप को हैंडल किए, कितना टाइम दिए और क्या क्या पैटर्न थे, और कैसे कैसे एग्जाम में आने वाली हर परेशानियों को झेलते हुए एग्जाम को क्रैक। पेपर टफ हो या इजी वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि कॉन्सेप्ट कितना बिल्ड है, और कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है रेगुलर होने से। तो मेरा मोटो यही है, मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि बी रेगुलर एंड दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। और पैनिक तो सब होते हैं, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस पैनिक सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, हम खुद को काम रखकर पेपर सॉल्व करें, ट्रस्ट योर टीचर, ट्रस्ट द फैकल्टी, सारी चीज़ें धीरे धीरे होती है, तो कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे आएगा, और इतना भी धीरे नहीं कि एग्जाम निकल जाए, बस वही हेल्प करेगा, और काम रह के पेपर देना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। चलिए तो हम लोग मिलते हैं NIT भोपाल में पढ़ रहे छठवें स्टूडेंट यहाँ के रन ट्यूटोरियल के मिथिलेश सिंह जी से, और वो बताएंगे कि कोचिंग का इन्वॉल्वमेंट क्या रहा और कैसे कैसे हम कोचिंग में आए, डेली मेंटेन किए और सभी काम को करते हुए, और हम क्या किए, और अपना ये अच्छा एक क्वालिटी पर्सनालिटी भी है, और ये बताएंगे कि कैसे हम अपना जो है कि निकाले। हेलो एवरीवन, माइकल मिथिलेश एंड MCA प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, जो भी सर बताते हैं जैसे ही बताते हैं बस आप सर की बताई बातों को फॉलो करते रहिए, क्योंकि सर जो भी पढ़ाते हैं जो भी क्वेश्चन देते हैं वो डायरेक्ट मैच करने वाले क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ कराए जाते हैं सर के नोट्स में, यहाँ की टेस्ट सीरीज में, स्पीड टेस्ट में, उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सॉल्व कर लिया करें, उसको आगे के लिए टाला मत करिए। अभी टाइम है आपके पास, सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि हम निश्चित नहीं निकाल सकते, हमारा प्रेशर नहीं है मैथ्स का, रीजनिंग का, जितने भी टॉपिक्स हैं सबका, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें सबसे ईजी होता है NIMCET क्रैक करना, अगर आपकी स्ट्रेटजी है तो, अगर आप स्ट्रेटजी से चलें तो सबसे ईजी होता है NIMCET क्रैक करना। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि उनका NIMCET नहीं निकल सकता, डेफिनेटली वो NIMCET निकाल सकते हैं, बट एक स्ट्रेटजी बनाए। सर क्लास में बताते होंगे कि कुछ टॉपिक्स बार बार रिवाइज करते हैं, वो कुछ टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग करिए, तो जो टॉपिक्स सर बताते हैं एटलीस्ट वो सब ना पढ़ सके तो उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। NIMCET तो निकलना ही है, बस जो बताया जाता है क्लास में यहाँ पे उसको फॉलो करते रहें, और ये ध्यान दें कि जितने भी टॉपिक्स हैं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, सारे टॉपिक्स को टाइम डिवाइड करें और सारे को एक बार देखें जरूर एग्ज़ाम में। टाइम का मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात होती है एग्ज़ाम में, क्योंकि पढ़ना एक अलग बात होता है, उस बड़ी चीज़ों को एक टाइम लिमिट में अप्लाई करना अलग बात होती है। तो प्लीज़ जो भी करना है आपको एक टाइम लिमिट में करें, एक टाइम अपना टाइम बैंडविड्थ बताएं कि इतने हमको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है तो उतने में ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी जो भी टेस्ट सीरीज़ हो रहे हैं उसमें आपके डायरेक्ट मैच करने वाले क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट मैच करते हैं, जिससे होता ये है कि आपको वो क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि आपके टाइम को बचा देते हैं, जिससे कि आपको दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए टाइम मिल जाता है। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितने टेस्ट सीरीज यहाँ पे होते हैं उसको बहुत ही केयरफुली सॉल्व करें और सर की सारी बातों को फॉलो करें। थैंक यू।
चलिए तो हम लोग मिलते हैं रन ट्यूटोरियल के स्टूडेंट जो कि एनआईटी भोपाल में अभी पढ़ रहे हैं मीनाक्षी गुप्ता जी से, और वो बताएंगे कि हम लोग कोचिंग में कैसे प्रिपरेशन किए यहाँ पे रुके और अच्छे से तैयारी किए और कैसे NIMCET एग्जाम को क्रैक किए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीनाक्षी गुप्ता। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब पेपर आया था फर्स्ट, मतलब जब पेपर हमें हाथ में आया एग्जामिनेशन ड्यूरेशन में, तो हमें इस बार पैटर्न टोटली डिफरेंट था। तो हमें ऐसा लगा कि यार, मतलब देख के थोड़ी देर ऐसा लगा कि अब नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंस लूज हुआ। तो मैं बस आपको यही समझाना चाहती हूँ कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करना। आप ये सोचो कि हमने एक साल अच्छे से प्रिपरेशन की है और वो मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाएगी ही। तो हमें उस तरीके से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के उस पेपर को एकदम स्पोर्टिंगली हैंडल करना है और अच्छे से उस पर सॉल्व करना है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, यहाँ पे रुक के हमने ग्रुप स्टडी की थी, ग्रुप डिस्कशन किया था, देर तक रुकते थे, पढ़ते थे, जो कि मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ। ग्रुप स्टडी करने से आपको ये होता है कि आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, सामने वाला आपके कुछ डाउट्स होंगे, आपके कुछ डाउट्स होंगे, तो वो डाउट्स आपको कहीं ना कहीं क्लियर होंगे, और जो डाउट्स नहीं आते वो हमारे सर क्लियर करते थे। तो ये चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल होती थी हमारे लिए। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आप अपने स्ट्रेटजी बना के चलिए, जो भी चीज कर रहे हो उसे स्ट्रेटजी के साथ करिए। हर दिन एक पेपर सॉल्व करिए, अपना एक टॉपिक उठाइए, प्रीवियस टॉपिक कवर कीजिए, हर चीज कवर करिए। ऐसे करके आपका हर टॉपिक कवर होता जाएगा और आपको हेल्प मिलेगी सिलेबस कवर करने में। एग्जाम में आप बहुत कॉन्फिडेंट और रिलैक्स फील करोगे, रिलैक्सेशन आपको हेल्प करेगी अच्छा परफॉर्म करने में। थैंक यू, गुड लक। चलिए तो हम लोग मिलते हैं विजय सर से, जो कि हम लोग को पेपर डिपार्टमेंट को संभालते हैं और कैसे कैसे टेस्ट सीरीज टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं उन सबको हैंडल करते हैं, और उनसे जानेंगे हम कि आगे क्या टेस्ट सीरीज का जो जी हमारे यहाँ जो पेपर जो तैयार होता है, जो हमारे कोचिंग हम लोग पेपर जो तैयार करते हैं, वो हम पीछे के सिलेबस को NIT के या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के पीछे के सिलेबस को देख कर तैयार किया जाता है, जिससे कि अगर कुछ और उसको इस तरह से तैयार किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं कि वो आगे चल के आगे भी जो आने की संभावना, जो क्वेश्चन आने की पेपर में आने की संभावना हो, ठीक है। और जब भी अब कई ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन नए बनते नहीं है, वो बात कभी कोई ना क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं, इसलिए हम लोग उसका पूरा ध्यान रखते हैं और बच्चों को इस तरह से तैयारी करवाते हैं कि अब ये नहीं कि हम लोग उनको रटवाएं या फिर वो करें, तो उनको इनका बेसिक से इतना समझाया जाता है ताकि अगर वो क्वेश्चन ना आए तो उसके बेस पे और कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आसानी से उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। और हमारी यही शुभकामना है कि जो हम लोग पेपर बनाते हैं या फिर जो हम लोग यहाँ इतनी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, तो बच्चे जो है यहाँ के जो अभी तक हमको जितना भी रिजल्ट मिला है सब संतोषजनक अच्छा रिजल्ट रहा है, और यही हमारे कि हम थोड़ा और मेहनत करें कि और ज़्यादा बच्चे हमारी कोचिंग से निकलें, और यही सुपाना है कि 2019 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस तरह से बच्चे वहाँ भी बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स दें। चलिए तो हम लोग मिलते हैं रन ट्यूटोरियल के डायरेक्टर RD सर से, और वो हम लोग को बताएंगे कि तो जो 2019 आने वाला है NIMCET का एग्ज़ाम, उसमें हम कैसे बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करें और अपने लाइफ को कैसे उसमें इन्वॉल्व करें एग्ज़ाम के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग NIMCET एग्ज़ाम को क्रैक करें। आइए हम लोग जानते हैं आदरणीय। आज जो है आज का दिन बहुत ही हम लोग के लिए शुभ है कि आज दशहरे का दिन है, ठीक है। हम लोग इस चैनल के माध्यम से कुछ बोलना चाह रहे हैं, जो हमारे यहाँ NIT भोपाल के जो 7 स्टूडेंट क्वालिफाई किए 2018 में हमारे यहाँ आए हुए हैं, जो कि आज हम लोग देखें कि आप लोग एक एक बच्चा करके अपना बताया है, ठीक है। और जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी बच्चे हमारे कोचिंग से प्रिपरेशन करके जा चुके हैं, ठीक है, उसको अब मैं बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि वो रुके नहीं, वो अभी जहाँ भी हो, चाहे NIT आप भोपाल में हो, चाहे त्रिची में हो, NIT में हो, रुके नहीं, अपने लक्ष्य को और आगे बढ़ना है तो और कठिन मेहनत से बढ़ने, ये NIT हम लोग का सिर्फ प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है। अगर आपको और आगे जाना है लाइफ में तो और कड़ी मेहनत करो, वहाँ पे भी जाके हम लोग रुकना नहीं है। और जो भी बच्चे हमारे यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं संस्था में, ठीक है, मैं उसमें प्रॉमिस करता हूँ बच्चों को पूरे ईमानदारी के साथ हम लोग लगेंगे, जितने हम लोग के टीम है पूरे ईमानदारी के साथ, जैसे अभी विजय सर ने बताया जो है पेपर हमारे डिपार्टमेंट पेपर को विजय सर बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, और जिन्होंने हो गया इतने दिन बाद तो बहुत अच्छे से पेपर चल रहा है,
ठीक है। तो जो बच्चों का भी हमको साथ चाहिए, जो हमको रिजल्ट 2018 का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, हम चाहते हैं कि बनारस को जो है हम लोग एक नेशनल लेवल पर लाएं, और बनारस को नेशनल लेवल पर लाने के लिए हम लोग को एक लोग की जरूरत नहीं है, पूरे टीम की जरूरत होगी और पूरे बच्चों का सपोर्ट होगा, तभी हम बनारस को शिक्षा, जो बनारस को शिक्षा की नगरी कही गई है और इसमें और शिक्षा की नगरी को फिर से हम लोग जो है आगे लाना चाहते हैं, और उसमें एमसीए एंट्रेंस को इसको नंबर वन पे लाना है। तो पूरे ईमानदारी से और बच्चों का मुझे सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे लास्ट राउंड में जो 2018 काफ़ी हम लोगों ने बच्चों के साथ मेहनत किया, लेकिन फिर भी सेंटर पे हम लोगों को जाते वक्त जो है सेंटर पे हम लोग काफ़ी बच्चे निराश होकर निकले सेंटर पे, लेकिन बच्चों को मैं यही बताना चाहता हूँ जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, टॉपर वही होता है जो पढ़ता है। अगर पैटर्न चेंज भी हो गया तो ऐसा नहीं कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, उसका रैंक कम आ जाएगा, आप परेशान नहीं होना है, ठीक है, पढ़ने वाले ही सिलेक्शन देंगे, ठीक है। पैटर्न आप अपने स्ट्रेटजी के साथ आप पढ़ाई करो, इसके पैटर्न से आपको कोई मतलब नहीं, पैटर्न चेंज हो गया, कम आया, क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। हम लोग जो भी टेस्ट सीरीज डिजाइन कर रहे हैं ये सोच के कि हमारे बच्चों का NIT BHU और JNU के अलग अलग टेस्ट सीरीज हम लोग देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज ले सके, जिससे बच्चों को क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाते लगाते एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। आप लोग अच्छे से, मैं कुछ ही समय और रह गए हम लोग के बच्चों एग्जाम के लिए, इसलिए मैं 2019 के पेपर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं दे रहा हूँ। बच्चे अच्छे बहुत ईमानदारी के साथ लगे हमारे कोचिंग में, और कोचिंग उनके पूरी तरह से साथ है उनके लक्ष्य के लिए। धन्यवाद।